दिल्ली में मांस का टुकड़ा मिला और कलवर खंडित। बेकार हरकत है भाई, जिसने भी करी है। और बम बम बोले भाई। हाँ जी भाई, कैसे हो आप सब? जी भैया मोहित, अरे बढ़िया है। ठंडी मोहित साला दाब के ले रहा, बढ़िया बढ़िया बता रहा है। तुम बोल रहे हो 30 किलोमीटर, 5 मिनट, 30 किलोमीटर। हेलो गाइस, कैसे हो सारे आए, सब बढ़िया होगे। कम टू माय अनदर व्लॉग। गाइस आप देख रहे हो रोन वसी को, बस इस ब्लॉग्स में गाइस की सपोर्टिंग, कीप लविंग। तो भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 6:40 पे। तो भाई मैं जा रहा था ताऊदेला स्टेडियम, तो मैं सोचा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। भाई पीछे क्या आ रहा है, पीछे फैना की आ रही है। फैना की प्रमोशन मिल गया है, फैना दिखा दी, जब से फैना ही दिख रहा है। तो भाई हाँ, अभी मैं निकल रहा हूँ ताऊदेला स्टेडियम, तो दिखाता हूँ जो भी सीन होगा। भाई मौसम की अपडेट दे दूँ, मौसम ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है बारिश आएगी, पर ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा। और देखो सूरज आ चुका है, देखो दिख रहा है, सूरज आ भी गया, बादल के पीछे छुप रहा है, पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आई आ गया हूँ साइकिल पे, मैं सोचा लोग स्टार्ट करते हैं, दिखा दे जो भी सीन है। ये देखो ये खड़ी अपनी साइकिल, ये रही आ गया हूँ मैं, बस ये रहा, ये राइट चौक आ गया, फिर राइट, फिर अपने पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं भाई जो भी सीन होगा, सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। फाइनली भाई मैं अपने ताऊदेला स्टेडियम में घुस चुका हूँ। ये रहा, ये रिसाइकिल। कुछ टाइम नहीं लगा यार, हमने जब ही पहुँच गया, अभी 15-20 मिनट लगी होंगी, ज़्यादा मैक्स बाइक से इतनी लगती है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगी होंगी, पर साइकिल सही है, अपने बढ़िया एक्सरसाइज होगी और पैरों की सब कुछ हो गया। साइकिल खड़ी करते हैं और फिर चलेंगे रनिंग करने। मैन जो तुमने लास्ट वाली कबूतर वाली वो वीडियो देखी, जो कितनी प्यारी लग रही भाई, क्या जबरदस्त, ऐसे सूरज मतलब वो कबूतर उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है सूरज की रोशनी गिर रही है, ऐसा लग रहा भाई, मतलब बहुत जबरदस्त लग रहा है। मैं इससे पहले डालूंगा, देखना बताना कैसा लगा जबरदस्त। तो भाई फाइनली हमने स्टेडियम के यहाँ पहुँच चुका हूँ, देखो ये रहा भाई स्टेडियम, ये रहा। अपने जूते उते टाइट करते हैं, पानी वानी पीते हैं और फिर चलेंगे हमने वर्कआउट करने। बढ़िया भाई, आपको मिलते हैं करेक्ट 1.25 घंटे बाद, इतने में चलता हूँ भाई। इतने भाई आप टाइम लाइन एंजॉय करो, इतना मैं रनिंग करके आता हूँ, उसके बाद आपको भाई आके एक ऐसी चीज़ बताऊँगा, मतलब ऐसी तो क्या, मतलब बेकार चीज़ है, मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है तो बेकार चीज़, हुई बेकार चीज़ है। मज़ा आ गया भाई, एक नंबर मज़ा आ गया, बढ़िया। अपने 40-50 मिनट एक्सरसाइज करी, बढ़िया। मैं तो अभी ऊपर आ गया, मौसम भाई इतना कैंट मौसम हो रहा है, एक सेकंड रुको भाई, इतना कैंट मौसम हो रहा है। अभी 8 बज रहे हैं, 8:01 हो रही है, 8:01, ऐसा लग रहा है 6:30 बज रहे हैं। अभी दिखाता हूँ एक नंबर सीन हो रहा है, मैं ऊपर आ गया भाई, एक नंबर अपने एक्सरसाइज करी, बढ़िया, थक गया भाई। एक भाई के साथ कर रहा था, वो भी नीचे ही है, वो कर रहे हैं, मैं तो अपने ऊपर आ गया भाई। तो भाई बेसिकली अभी सीन कुछ ऐसा है, मैं ये बता रहा था कि आगे बताऊँगा भाई। पहले ना तुमने मतलब पता नहीं इंस्टाग्राम पर देखी होगी, नहीं देखी होगी, एक वीडियो चल रही है बहुत ज़्यादा, मतलब ये मौसम वो चल रहा है ना, 26 तारीख को है महाशिवरात्रि, तो सब कावड़ वावड़ लेके आते हैं, कावड़ अभी दिखाता हूँ। मैं ना अभी आ रहा था, वो वाली क्लिप शायद मैंने डाली नहीं इससे पहले, तो अब डालूंगा मैं वाली क्लिप, देखो एक बारी। बम बम बोले भाई, देखिए वाली क्लिप देखी, तो भाई ये है जो कावड़ वावड़ लेके आते हैं, इनको भोला बोलते हैं, मतलब ये वहाँ से हरिद्वार से या गंगोत्री जहाँ से भी कावड़ वावड़ लेके आते हैं, पानी वानी लेके आते हैं। तो ये भाई अपने जहाँ रहते हैं गाँव में या सेक्टर में, वहाँ चढ़ाते बेसिकली। तो भाई इनके ना शिविर लगता है, मतलब लोग अपने दान पुण्य, मतलब इनका रहना सहना सब कुछ होता है, ये वहाँ से जल उठाते हैं और लाते हैं, तो इनका भाई बहुत नियम से लानी पड़ती है, मतलब इनके कुछ नियम होते हैं उससे लानी पड़ती है। और तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी कैसे घोचपोच सी होगी एक बारी बात है ना, एक बारी आप ये वाली क्लिप देखो, मैं बता देता हूँ भाई। जो ये त्यौहार होता है महाशिवरात्रि, ये हमारे यहाँ शिव जी की उस पर मनाया जाता है, तो हिंदू मनाते हैं सारे, है ना, तो उनके लिए जल लेके आते हैं, उनके मतलब ये बोलते हैं कि भगवान खुद जल ले गया था, तो उसको भोला बोलते हैं, ठीक है। तो भाई भगवान तो शाकाहारी होते हैं, मतलब हर वो जो कावड़ होते जो वो लेके आ रहे थे, वो भाई उसमें मांस घेर दिया किसी ने, भाई हद होती है। मैं तो कल वाली क्लिप देख रहा, मैं कह रहा बताऊंगा, पहले मैं आपको पूरी डिटेल इन डिटेल सारी बात बताऊंगा, पहले आप वाली क्लिप देखो, जो कावड़ लेके आ रहे थे हरिद्वार से, उनकी भाई कावड़ में किसी ने वो घेर दिया, क्या कहते हैं, मांस घेर दिया, उनको बाद में पता चला वो पूरी कावड़ खंडित हो गई,
मतलब वो अब चल नहीं चढ़ सकता भाई, वो उसमें मांस आ गया क्योंकि। तो एक बार आप वो वाली क्लिप देखो, फिर आगे मिलता हूँ मैं। दिल्ली में मांस का टुकड़ा मिला और कांवर खंडित, इधर यूपी में आपने देखी वाली क्लिप जो मैं बता रहा था भाई, कितनी बेशरम, कितनी मतलब कितनी बेकार हरकत है भाई जिसने भी करी है। और भाई पता नहीं किसने करी होगी, तो बाद में पता चला भाई कावड़ में ऐसे ऐसे मांस गिरा हुआ है, पूरी कावड़ खंडित हो गया भाई। देखो जो लेके आ रहे थे भाई, कितनी मेहनत से लेके आते हैं, उनके पैर में ऐसे ऐसे छाले छाले हो जाते हैं। मेरे पापा भी लेके आए हैं दो बारी, तो भाई बहुत मेहनत की है। मतलब ऐसे तो यार कोई भी ले आए, पर उनके कुछ नियम होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं उस हिसाब से। तो वो अब क्या, मैं देख रहा था वो करेगा क्या, मतलब वो आधे शायद आधे रास्ते आ गया मेरे हिसाब से। उनकी कावड़ पता नहीं, मैंने देखा नहीं, इतनी सारी गाजियाबाद या नहीं ऐसी कहीं जगह चढ़नी थी, और भाई उन्होंने बीच रास्ते में देखा वो कावड़ में वहीं किसी ने मांस गिर दिया यार। मतलब कितनी घिनौनी हरकत है भाई, किसी ने मतलब क्या सोच समझ के, क्या दिमाग, पता नहीं क्या आदमी था जिसने भी करा होगा भाई। क्या इतने इतने नियम चलाने पड़ती है वो भाई, वो कावड़ ये होते हैं वो अगर अपना मुँह झूठा कर लें या फिर वो वॉशरूम चले जाएँ और वो कावड़ नहीं उठा सकते, पहले उनको नहाना पड़ेगा और फिर उधर उठाते, और वो तो वैसे मांस गिर दिया यार किसी ने। इतनी बेशरम वाली हरकतें हैं भाई यार। अब तो कावड़ खंडित हो गया, पता नहीं भाई क्या होगा। वो वाला जल तो नहीं चढ़ सकता, शायद वो दोबारा लेके आए। अभी तो हमने वीडियो देखे, हम पे इतनी वो हो रही है कि भाई किसी में मांस गिर जाए वो क्या मतलब क्या फील कर रहा होगा, और जो लेके आ रहा है इतनी मेहनत, आधे रास्ते ले आया बेचारा चल के भाई। लोगों को दस 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 दिन लग जाते हैं कावड़ लाने भाई। सीलमपुर में हुआ है, ओके दिल्ली में सीलमपुर है वहाँ हुआ है, और वो कावड़ राजस्थान जानी थी, ट्रैफिक भी जाम भी कर दिया वहाँ पे भाई उन्होंने। मतलब मैं वीडियो देख रहा था, योगी आदित्यनाथ और मतलब जहाँ से कावड़ आती है उन्होंने भाई उनकी तारीफ कर रखी, क्योंकि वहाँ भाई बहुत सिक्योरिटी है और वहाँ ऐसी चीज़ नहीं होती। उन्होंने भाई केजरीवाल के खिलाफ भाई बहुत सारी चीज़ें बोल दी, उल्टी सीधी जाम कर दिया। अब देखते हैं भाई, शायद उन्होंने बोला है गवर्नमेंट उनको दोबारा गंगा जल वहाँ हरिद्वार से ले आके वहीं देगी, पवित्र गंगा जल, ऐसे कोई सीन है। पर यार जो अपनी मन से श्रद्धा से जो वहाँ से कावड़ आती है और वो सोचता कि मैं खुद चढ़ाऊँगा, उस पर भी थी होगी उस आदमी पर। अभी कहानी बताया था कि आके बताऊँगा कि मतलब जो इन्फॉर्मेटिव है मतलब पता रहनी चाहिए पर अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ है भाई, ये नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई। अब लेट्स सी भाई अब क्या होता है, 26 तारीख को जल है, 26 तारीख को महाशिवरात्रि, तो गंगा जल चढ़ेगा वहाँ पे। तो देखो भाई 26 तारीख को भाई इतने सारे कावड़े, इतने लाखों लोग कावड़ उठा के लाते हैं वहाँ से भाई। मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत, मेहनत संघर्ष सब कुछ चाहिए भाई। वो मतलब कैसे कैसे सोते हो, मतलब अब तो शिविर लगने लगे पैर में छाले, लोग गंगोत्री 600-600 किलोमीटर पैदल आते हैं, 10 दिन 25 दिन पैदल चलते रहते भाई, इतनी श्रद्धा भाव से लाते हैं। तो वो गलत सीन है जिसने भी करा भाई। तुम्हें पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो भाई मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन ली तो वीडियो को भाई शेयर करना, पता बताना भाई लोगों को कि कैसी कैसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो बेसिकली भाई अब बस हम निकल रहे हैं, मौसम भाई एक नंबर हो रहा है, शायद बारिश आएगी शायद। तो भाई अभी कितना टाइम हो गया, 8:20 हो रही है, अब चलते हैं घर पर, चलते हैं यार, लेट वेट हो जाएंगे थोड़ा सा, और जो भी सीन होगा शाम को सब कुछ कंटिन्यू करेंगे इसी व्लॉग में। तो बने रहने तक अभी घर चलते हैं, मौसम बारिश ना आ जाए मैं इतने पहले घर निकल जाता हूँ। बारिश आएगी 110% बढ़ जाएगी, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, काले बादल हो रहे हैं, एक नंबर का मौसम हो रहा है। तो देखते हैं जो भी सीन होते हैं, इससे पहले हम घर निकलते हैं। तो भाई अब निकलती है अपने घर पे, अब डायरेक्ट आपको घर जाके मिलते हैं। मौसम क्योंकि बहुत भयंकर ऐसा हो रहा है, जैसे बारिश आएगी आएगी अभी आने वाली है। तो ये रही अपनी साइकिल और ये रहा मैं, अभी घर जाके मिलता हूँ डायरेक्ट। जय भोले बाबा, फाइनली भाई वी आर एट होम। ये रही भाई बाइक, ये मेरा भाई आ गया। मतलब कितने भाई टाइम लगा, बहुत अच्छी मिनट लगी होगी आने में। तो भाई अभी चलते हैं, नहाएंगे धोएंगे फिर आपको मिलते हैं, और फिर दिखाऊंगा बढ़िया मौसम होगी, बारिश वारिश आई जो भी सीन हुआ सब कुछ कंटिन्यू करेंगे आगे। इतने में भाई नहा धो के ऑल सेट, एक नंबर भाई जबरदस्त हमने नहाया भाई। क्या मौसम हो रहा है, क्या मौसम, अभी आपको एक साइड में दिखाता हूँ भाई। काले बादल हो रहे, बिल्कुल काले बादल, एक नंबर, मतलब बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत तेज बारिश आएगी। तो बस अभी नहा धो के हमने रेडी, अब अपने व्यू का आनंद लेते हैं। अभी दिखाता हूँ सीन, आप फुल गलत बारिश आ रही है भाई, देखना सीधा भाई इतनी तेज बारिश, बहुत देर से मौसम हो रहा था। अभी आपको लगा एक, पता कितना टाइम हो रहा है, एक बज रहा है, ये देखो किसी एंगल से लग नहीं रहा, देखो एक बज रहा है, ऐसा लग रहा है शाम के 5-6 बज रहे हो। ये देखो भाई फुल तेज बारिश आ रही है, फुल तेज,
अभी मैं टाइम लेस लगाता हूँ, देखना क्या बढ़िया टाइम लेस आएंगे, एक नंबर के। घंटे बारिश आने के बाद देखो क्या व्यू हो गया, जबरदस्त व्यू हो गया भाई। अब बच चुके हैं भाई 6:10 हो रही है बस, जब से बारिश आ रही थी थोड़ी बहुत, मतलब रुक गई थी 4 बजे रुक गई थी, फिर थोड़ी हल्की हल्की फिर बारिश आई और फिर अब दोबारा अमल बंद हो गया प्रॉपर ढंग से। अब 6 बज रहे हैं तो भाई अभी ना सारे आ रहे हैं, अभी चलते हैं हम सेक्टर 4 और तुम सबको सबसे मिलवाता हूँ। अब मैं, मोहित, अंशुल, तुषार, जतिन सारे आ रहे हैं और बहुत टाइम पर मिल रहे हैं, इतने घड़े टाइम हो गए सबको मिले हुए, तो सारे मिल रहे हैं, बस निकलते हैं अभी। मैं यार कपड़े कई गए चेंज करूँगा, ऐसे चलता हूँ, बारिश आ रही है फिर गंदे वंदे जाएंगे ना, तो ऐसे चलते हैं और तो वहीं जाके दिखा दो जो भी सीन है क्या। हाँ जी भाई, कैसे हो आप सब? अरे भाई बाल तो सही कर रहे हैं, अरे बाल तो बहुत सुथरे हैं। हम हैं रोहन के दोस्त, आज हमने रोहन का चैनल जब ता लिया है। ये रहा रोहन, कर लिया भाई हमने आज। ये रहा रोहन भाई, ये है अंशुल जी, इनका इंट्रोडक्शन तो आपको क्या जरूरत है, ये तो हमारे भाई फेमस है बहुत ज्यादा। ये बदमाश भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब आज हम लोगों ने एक कितने महीने हो गए, घने दिन हो गए, मतलब सारे सारे भाई शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। आज हमने किया है खाना ऑर्डर रोहन की वजह से, रोहन आज बड़े दिनों बाद पार्टी दे रहा है क्योंकि रोहन भाई की वजह से 30 के एक वीडियो पे, उसके बाद चैनल थोड़ा, ये प्राणी वो है जो रोहन को पैसा नहीं देगा भाई, ठीक है नहीं दे रहा मैं भाई पैसे, रोहन चाहिए भाई पैसे, नहीं चाहिए का कट बस ले भाई। भाई तुषार, मोहित, अंशुल और ये जतिन भाई, कितने दिनों बाद मिले भाई आप? 3-4 महीने, 3-4, ये शादी के बाद भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भाई इतने दिनों बाद मिले, देख सारे भाई, ये तुषार, मोहित और कुछ कट नहीं होगा, सब अनकट डलेगा, सब अनकट डलेगा। मोहित इतने दिनों कहाँ गायब थे भैया, कहाँ भी थी, कहाँ बारिश आई, तुषार की बारिश आने लगी, हमने ऊपर शेड लगवा दिया और ये सारे निखा रहे। कौन से चाप है भाई? ये मसाला चाप। और मेरी चम्मच कौन सी वाली है? कैसी भैया मोहित? अरे बढ़िया ठंडी, मोहित साला दाब के ले रहा, बढ़िया बढ़िया बता रहा है, साली गरम ना है। अरे मलाई चाप चाहिए वो, पनीर टिक्का नहीं आया क्या? ये रहा भैया, बर्गर रख दे, यहीं रख देना, जतिन का काम है। तो भाई हम सारे भाई निकल गए, हमने खाना खा के बढ़िया पेट वेट भर गया भाई, ब्लॉग नहीं बना पाए, एकदम खाना आ गया, ये मोहित टूट पड़ा उस पे और ये तुषार इसने दबा के लिया, ज्यादा खाना खाया नहीं, जतिन ने जेब में चौमिन भरी है दबा के, पेट भर गया भाई, और अंजुल ने चटनी भर ली है। ये देखो भाई, ये रहा, ये जा रहे सारे भाई, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत देखना बारिश हो रही है हल्की हल्की, ये रही, हम जा रहे हैं अपनी बाइक स्कूटी वहाँ पे, फिर बात बात करेंगे, फिर अपने निकलेंगे, बहुत टाइम बाद मिले सारे भैया, मोहित भैया मिलते रहा हो यार, आप बिल्कुल मिलेंगे आप, बड़े भी के जा रहे हैं, ओके भैया बाय बाय, जितने में भीग गए, कच्चा वच्चा सुखा लेना घर जाके, भीग क्या पूरा, अच्छा उतार पहन, ये पहन के जाऊंगा मैं कच्चा, चल ठीक है बाय, बारिश आ रही है भाई, धीरे धीरे आराम से जाना, आराम से जाना है, ठीक है भाई बाय बाय। ये तो हमने सारे भाई, ठीक है भैया बाय बाय मैन, बाय 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 बाय, चल भाई चल, ठीक है भाई बाय बाय भाई तुषार भाई, कुछ आज का दिन सारे मूवी अपने घर चले गए, अभी अपने घर आ गया, तो भाई इस लोग को यहीं पे रखते हैं, मैं अभी अपने घर आ गया, आप देखते जो भी सीन होगा कल का दिन, नए ढंग की शुरुआत, नए ढंग से अच्छे ब्लॉग से करेंगे, तो इस लोग को यहीं पे खत्म करते हैं, लोगों को लाइक शेयर कमेंट सब दबा के, तब तक के लिए बाय बाय।